अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्ताफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉर्ट टिप्स। फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास जो है आईफोन 7 प्लस है और ये मैंने आई क्लाउड से बाईपास किया है इसको, और इसमें कोई इशू नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हमने म्यूज़िक किस तरह से डालना है। ठीक है, आप यहाँ नॉर्मली जो है आईट्यून के ज़रिए इसके अंदर म्यूज़िक नहीं डाल सकते, तो जब आप म्यूज़िक डालते हैं तो वो कहते हैं कि अपने फ़ोन को जो है आई क्लाउड को अनलॉक करें, मतलब अपने फ़ोन को एक्टिवेट करें। तो नॉर्मल तरीके से हम इसके अंदर म्यूज़िक नहीं डाल सकते, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर म्यूज़िक किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर कोई म्यूज़िक नहीं है इस वक्त। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, कोई एल्बम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको सिंपल क्लोज़ कर देता हूँ और अपनी 3U टूल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरी 3G टूल ओपन होगी। ये लेटेस्ट इसका वर्जन जो है 13.4 है। और मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, मैं फोल्डर बना लेता हूँ सॉन्ग्स के नाम से। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे सेलेक्ट फाइल करना है और यहाँ पर ये कुछ सॉन्ग्स हैं, मैं इन सबको सेलेक्ट करके इस फोल्डर के अंदर डाल लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए इनपुट हो चुके हैं इस फोल्डर के अंदर नहीं आए ये। मैं चले इस फोल्डर के अंदर भी यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर खोल के मैं यहाँ से दोबारा से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इम्पोर्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, आपने इस फिल्ज़ा फाइल डाउनलोड करके रखनी है। मुझे फिल्ज़ा फाइल ओपन करनी है और मुझे बैक आ जाना है, और यहाँ पे सबसे बैक आने के बाद आपने वार में आना है, उसके बाद आपने मोबाइल में आना है, उसके बाद मीडिया में आना है, और यहाँ पे आपको सॉन्ग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर एडिट पे क्लिक करें आप और सबको मार्क कर लें। ठीक है, मार्क करने के बाद ये देखिए मूव पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद ये देखिए स्टार का जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करें आप, और यहाँ पर ये देखिए म्यूज़िक लाइब्रेरी लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे इस पर क्लिक करना है और उसको एक्टिवेट करके डन कर देना है, और अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने पेस्ट किया और अब मैं बैक आ जाता हूँ, इसे क्लोज़ कर देता हूँ, आईट्यून ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। तो ये देखिए इसके अंदर जो है वो सॉन्ग्स आ गए हैं, ये लिस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, ये देखिए जो मैंने इसके अंदर सॉन्ग्स डाले हैं वो सारे के सारे आ गए हैं। मैं यहाँ पे सॉन्ग्स में चला जाता हूँ और ये देखें, ये कुछ सॉन्ग्स हैं वो मैंने डाले थे और ये सारे के सारे आ गए। तो इस तरह से आप अपने आई क्लाउड बाईपास किए हुए फ़ोन के अंदर जो है सॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं, या म्यूज़िक कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर इनेबल कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।